तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो राजश्री पान मसाला है, ये राजश्री पान मसाला का पूरा एक बोरा एक दुकानदार को खरीद कितने का पड़ता है, एक पैकेट राजश्री में एक दुकानदार का फायदा कितना होता है, इन सभी चीजों की जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। भाई, आप अपने दुकान पर राजश्री पान मसाला बेचते हो कि नहीं? अगर नहीं बिकता है तो कौन सा मसाला आपके एरिया में ज्यादा बिकता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही किराना दुकान से रिलेटेड और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो भाई, जैसे कि आप देख सकते हो, ये पूरा एक बोरा आज मैंने अपने दुकान के लिए खरीद करके लेकर के आया हूं। अब भाई, इस बोरी के अंदर होते हैं दो बोरी, ठीक है। चलिए पहले मैं आपको इसे खोल करके दिखा देता हूं। तो भैया, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे बोरिया खुल चुकी है। अभी मैं ये बोरी आपको निकाल के दिखा देता हूं। और भाई, सबसे अमेजिंग बात यह है कि इस मतलब जो पूरा बोरी है ना, इस पूरी बोरी के अंदर हमको दो कूपन भी दिया जाता है। मैं आपको इसे पूरा खोल करके दिखा देता हूँ, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर कितने रुपए का कूपन निकलेगा, ठीक है, और कूपन से एक दुकानदार को क्या फायदा होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, अभी मैंने पूरा इस गत्ते को खोल लिया है, और जैसे कि आप देख सकते हो, ये है इसका कूपन जो कि यहाँ पे टेप से लगा हुआ है। अब इसे मैं अभी आपको निकाल करके दिखाता हूँ कि ये कूपन किस तरीके से है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो, कूपन हमारा निकल चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अभी मैंने इसे स्क्रैच नहीं किया है, ठीक है। देख सकते हो, दो कूपन निकला है, ठीक है। दोनों कूपन अलग अलग भी हो सकता है, शायद से एक भी हो सकता है। तो अभी मैं आपको इसे मतलब इस खुरच के दिखाता हूँ कि इसके अंदर हमें कितने रुपए का फायदा हुआ है इस कूपन की वजह से, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो, इसे खुर्चा जा रहा है। तो खुर्चने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, एक कूपन जो खुर्चा गया है उसमें निकला है 12.5। अभी 12.5 का मतलब क्या है वो आप अभी आगे जान जाओगे। तो उसके बाद अभी हम दूसरा कूपन स्क्रैच करते हैं, तो देखते हैं इसमें क्या निकला है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें भी हमारा निकल गया है 12.5, यानी कि भाई एक ही तरीके का दो कूपन निकल चुका है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वो कूपन है जो कि भाई राजश्री के पूरे बोरे के अंदर निकला है, ठीक है। ये भाई दो कूपन निकला है। अब इस एक कूपन पे लिखा हुआ है 12.5, इसका मतलब होता है कि भाई 125 रुपए, ठीक है। मेरे पास दो कूपन निकले हैं, तो यानी कि 12.5 के दो कूपन, तो टोटल हो गया 250 रुपए, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, अंदर हूँ तो एक दुकानदार को खरीद कितने में पड़ा है। तो भैया, ये पूरा बोरा मैंने लिया है 14,300 रुपए में, ठीक है। अब भाई, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 14,300 में मैं अगर ये कूपन को माइनस कर देता हूँ, तो 14,300 में 250 रुपए माइनस करने के बाद 14,050 रुपए, यानी कि, और इस बोरी के अंदर होते हैं पूरे 100 पैकेट। ये आप जो दो बोरी यहाँ पे देख पा रहे हो, एक बोरी में होते हैं 50, और नीचे वाली वाली जो बोरी रखी है इसके अंदर भी होते हैं 50 पैकेट। तो यानी कि एक पैकेट एक दुकानदार को राजश्री खरीद पड़ी है 140 रुपए 50 पैसा, ठीक है, एक पैकेट। और भाई, एक पैकेट पर एक दुकानदार को फायदा होता है 168 रुपए, ठीक है। तो अब इस एक पैकेट में एक दुकानदार को फायदा कितना होगा, ये आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। भाई, इस राजश्री के बोरे के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ इतना ही कूपन निकले। ये भाई सबसे कम रेट वाला कूपन मैं आपको दिखाया हूँ। वैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी ज्यादा मतलब बहुत अच्छा ही कूपन निकल जाता है, जिसमें कि भाई हमारा मतलब हम जैसे दुकानदार लोगों का काफी अच्छा फायदा हो जाता है। वैसे आपके एरिया में राजश्री का बोरा कितने का मिलता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही किराना दुकान से रिलेटेड और वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।